विधानसभा चुनाव के लिए हम बात करेंगे विजय गोयल जी से। आप मुख्य मुकाबला किससे समझ रहे हैं? मैं समझता हूं कि मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस से ही है, और किंतु भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो उत्साह, जो समर्थन मैं जो देख रहा हूं, लोग घर से निकल कर आ रहे हैं, वे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और हम ही सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उसके पास अनुभव है और रफ्तार है, आपके पास है ये दोनों चीज़? अब कांग्रेस का अनुभव भी काम नहीं कर रहा है, रफ्तार भी उनकी काफ़ी ढीली पड़ गई है, आपने देखा होगा, वो तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं ढंग से, तो इसलिए अब कांग्रेस को लोग नहीं चाहते हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार का जो उनका अनुभव है उसके खिलाफ आम जनता हो गई है। सर, सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको क्या उम्मीद है कि आप सत्ता में आएंगे या फिर आप किसी के साथ गठबंधन करना पड़ सकता है? मुझे उम्मीद है कि 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आएगी और स्पष्ट बहुमत में आएगी। अगर बहुमत नहीं आता है तब आपके पास क्या विकल्प? तो कोई सवाल नहीं होता, किंतु अगर कोई प्रश्न उठा भी तो मैं समझता हूँ सारे विकल्प खुले हैं। ये हैं विजय गोयल जी, जिनका कहना है कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या होगा, विकल्प सभी खुले हैं। अजय विक्रम सिंह, DD News, दिल्ली।